तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश का जो एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है डीओ की तरफ से, उसमें सेक्शन बी ग्रामर पार्ट के सॉल्यूशन को। अगर आपने साइंस का सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की जो स्कूल को प्रोवाइड की जाती है नहीं देखा है तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके चेक कर सकते हो कि आपके स्कोर क्या हैं। और वन बाई वन करके इस चैनल पर आपको ऑल सब्जेक्ट ऑफिशियल आंसर की मिलेगी जो स्कूल को प्रोवाइड की जाती है आपकी कॉपी चेक करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी ग्रामर। अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कोई 10 करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। द एयर पोल्यूशन कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। यस्टरडे आ गया मतलब कि पास्ट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला ऑप्शन कौन सा है? एक्सप्लोडेड। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एक्सप्लोडेड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन ए टीचर एंड हर स्टूडेंट। कन्वर्सेशन पढ़ना है, समझना है और लाइन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, टीचर डू यू हैव समबडी एट होम टू गाइड यू विद स्टडीज। स्टूडेंट यस माई एल्डर सिस्टर हेल्प्स मी आउट। तो इस लाइन को हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लिखा है द स्टूडेंट अफर्म्ड। अब इसके आगे हमको क्या फिल करना है, तो यहीं पर फोकस करना है। तो देखो ध्यान से इसके आगे क्या लिखोगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे दैट, क्या लिखेंगे दैट, उसके बाद में माय एल्डर। तो यहाँ पर लिखना है हिज एल्डर, हिज एल्डर, सिस्टर पर सिस्टर आ जाएगा, हिज एल्डर सिस्टर हेल्प्स। तो सेकेंड फॉर्म लगा दो हेल्प्ड, ठीक है ना, हेल्प्ड। मी का हो जाएगा हिम, आउट, आउट का सेम लिख दो आउट, फुल स्टॉप, ठीक है। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, दैट हिज एल्डर सिस्टर हेल्प्ड हिम आउट। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। क्वेश्चन है, ए पर्सन विद ए फ्रेजाइल ईगो डैश टेक एनीथिंग यू से पर्सनली। तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा, शुड आएगा, वुड आएगा या फिर ओट टू आएगा। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, वुड आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम ए न्यूज रिपोर्ट। क्वेश्चन है, इन इंडिया ए डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हैज इंक्रीज्ड ड्रेस्टिकली। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए, ए एरर है, यहाँ पर द आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, एरर ए है, करेक्शन में द आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, देयर इज गोइंग टू बी ए बस स्ट्राइक एवरीवन डैश फॉर ऑटो रिक्शा एंड रिक्शा नेक्स्ट वीक। क्या आएगा, ए ऑप्शन है विल लुक्ड, बी ए शुड लुक, सी ए विल बी लुकिंग, डी ए लुक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, विल बी लुकिंग। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्शंस ऑफ ए लेटर। सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, डियर सर दिस इज टू रिस्पेक्टफुली डैश सबमिट दैट माई हस्बैंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू पुणे। तो यहाँ पर सबमिट है, इसकी सेकेंड फॉर्म मैंसन कर देना, क्या हो जाएगी, सबमिटेड, सबमिटेड, ठीक है, एस यू बी एम आई डबल टी ई डी, सबमिटेड आपको फिल कर देना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सेवन, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन ए फादर एंड हिज सन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। फादर कह रहा है, What do you like the most about your mother? Son कह रहा है, She is always there to help us in difficulty. In response to the question about his mother, son says that. इस लाइन पर फोकस करना, son says that. तो C है, तो C पर C आएगा, is पर is आएगा, उसके बाद में always same लिख दो, always, there पर there same आएगा, to पर to आएगा, help, इसकी second form लगा देना, helped. अस पर हिम आ जाएगा, इन पर इन रहेगा, डिफ़िकल्टी सेम लिख दो, फुल स्टॉप। तो
आगे मेंशन करना था, सन सेज दैट सी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम इन डिफिकल्टी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर एट आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए साइंस जर्नल एंड सप्लाई द करेक्शन। कॉमेंट ऑन पेपर इन साइंस शुड एड ए डायमेंशन टू द रिसर्च एंड नॉट मेरली बी अ समरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइब इन द पेपर। तो इन द पेपर, इन क्या है? एरर है, गलत है। यहाँ पर आना चाहिए ऑन द पेपर, ऑन आएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 9। आरुषि शेयर सम इंफॉर्मेशन विद आफ्ताब अबाउट ए कार सी रिसेंटली बोट। रिपोर्ट आफ्ताब्स क्वेश्चन, इज द कार न्यू और सेकेंड हैंड। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखो, लिखेंगे आफ्ताब आस्क्ड आरुषि इफ आ जाएगा, इफ। उसके बाद में द कार इज एम आर वोज वर में जाएगा, वोज आ जाएगा, न्यू और सेकेंड हैंड लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो आफ्ताब आस्क्ड आरुषि इफ द कार वॉज न्यू और सेकेंड हैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन अबाउट रोड सेफ्टी। द बेस्ट ड्राइवर्स आर अवेयर दैट दे डैश वी बीवेयर। विल आएगा, मे आएगा, मस्ट आएगा, कैन आएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 11। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग्स बिटवीन रमन एंड तनु। रमन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमोरो। तनु, यस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग अवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पर कन्वर्ट करके बताया गया कि रमन टोल्ड तनु दैट, ध्यान से देखो, ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ तक सेम है, इसके आगे क्या आएगा? तो चार ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। देखो ध्यान से, अब टू पर टू है, द क्लास पिकनिक, टुमोरो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, इसकी चेंजिंग होती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चारों में से सी ऑप्शन यहाँ पर आपको फिल करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आइडेंटिफाई द एरर ऑन ए नोटिस बोर्ड ऑफ ए स्कूल अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल डे एंड सप्लाई द करेक्शन। द स्कूल एनुअल डे कैन बी सेलिब्रेटेड ऑन 15th November 2022 10 AM onwards. दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड एज अवर सिल्वर जुबली एंड सो स्पेशल कल्चरल सो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। एरर एंड करेक्शन, इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ड एरर है, उसका सही फॉर्म क्या होगा हमको यहाँ पर पुट करना है। तो कैन यहाँ पर क्या है? एरर है, यानी ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए विल। क्या होना चाहिए? विल। ओके, तो ये आपका आंसर नंबर 12 हो जाएगा। सेक्शन बी का अगला पार्ट अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, तब तक कमेंट में लिंक पेस्ट है साइंस की आंसर की, देख सकते हो कि आपने कितना राइट किया, कितना रॉन्ग किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।